वसुदेव अरण्य के सरगुजा जिले के समृद्ध वन क्षेत्र में स्थित परसा ईस्ट केते बासेन कोयला खदान के दूसरे चरण में भी काटे जा रहे पेड़ों की कटाई को तत्काल रोकने की मांग को लेकर कलेक्टर को समाज के लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले बुधवार को छत्तीसगढ़ में स्थित समृद्ध जैव विविधता से परिपूर्ण सघन वन क्षेत्र हसदेव अरण्य में आवंटित कोल ब्लॉक और फर्जी ग्राम सभा के आधार पर कोयला खनन परियोजनाओं को जारी वन भूमि डायवर्सन की स्वीकृति निरस्त किए जाने की मांग को लेकर अपना आक्रोश जताया। साथ ही हाल ही में चार दिन पहले विधायक एवं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के दिए बयान पर अपनी नाराजगी जताई। गौरतलब है कि हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष के द्वारा उठाई गई आवाज पर लगातार आंदोलन किया जा रहा है। आदिवासियों की मांगों और उनके संवैधानिक अधिकारों की पूर्ण उपेक्षा करके भारी संख्या में सरगुजा में पुलिस बल तैनात कर परसा ईस्ट केले बासन के दूसरे चरण में जंगल में पुलिस बल लगाया और बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई की जा रही है। इसके विरोध में पेड़ों की कटाई रोकने दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुँच कर ज्ञापन सौंपा गया। सर्वाधिक समाज जिला दुर्ग से है और ये जो हसदेव अरण्य का जो अभी जो एक साल से कंटिन्यू जो आंदोलन चल रहा है और विगत पिछले 10 सालों से वहाँ पे आंदोलन चल रहा था। पिछले 2 कोल आवंटन जो किया गया था उसके बाद अभी फिर से तीसरा, चौथा और पांचवा जिसमें ये बासेन कोयला खदान है, इसको अभी लेटेस्ट में कुछ महीना, 2 महीना पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इस पर रोक लगाया गया था और यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री है टीएस बाबा जी ने कहा था कि मैं अगर यहाँ पे खदान में अगर पेड़ कटाई शुरू होता है तो मैं वो पहला व्यक्ति होऊंगा जो अपने सीने में गोली खाऊंगा, उसके बाद कोई समाज या कोई सामाजिक संस्था के लोग खाएंगे। लेकिन उसके बाद इतनी आश्वासन मिलने के बाद आदिवासी समाज के साथ फिर से एक विश्वासघात हो रहा है और बिना असंवैधानिक तरीके से, बिना किसी तथ्य के फिर से कटाई शुरू किया जा रहा है, जहाँ पे 1500 फोर्स पुलिस बटालियन लगाकर 20 गांव के जो आसपास 20 गांव के जो रहवासी हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, जो उस जंगल को बचाने के लिए लगातार कंटिन्यू 10 साल से वहां पे मुहिम छेड़ी हुई है कि इस हसदेव जंगल को बचा। और मैं हसदेव के लिए बता देना चाहता हूं, ये छत्तीसगढ़ का एक हृदय है, कहा जाए तो उसका हार्ट है, जहां पर 4 लाख वन्य जीव प्राणी जो विलुप्त हो गए हैं जो पूरी दुनिया में, वो भी आज भी वहां पर देखा जाता है, ऐसे जीव जंतु जहां पर संरक्षित है, उस जंगल को उजाड़ना चाहता है। एक तरफ इस देश का प्रधानमंत्री नामीबिया से चीता को लाकर कहते हैं कि 70 साल बाद हम देश में चीता लाए हैं, वहीं दूसरी ओर इस देश के जो एक ऐसी जो खनिज संपदा से भरा। हाँ, जो हसदेव जंगल जो काटने का जो लगातार मुहिम चल रहा है और जो आदिवासियों को ये लोग गुमराह कर रहे हैं, तो हम भाजपा का पूर्व के भाजपा सरकार वैसी किया, अभी कांग्रेस सरकार हमको धोखे में डाल के वहाँ के हजारों आदिवासियों को विस्थापित कर रहे हैं, मार पुलिस द्वारा फोर्स लगा के मारपीट कर रहे हैं। हम भूपेश सरकार से यही चाहते हैं कि उस जंगल को काटने से रोका जाए, रोक लगाए और आदिवासियों पर अत्याचार करना बंद करें। यदि उनने जंगल काटना बंद नहीं किया तो हम रोड की लड़ाई लड़ेंगे और हर जिला में, हर गांव में, हर ब्लॉक में उग्र आंदोलन करने के लिए हम लोग बाध्य हो जाएंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।